ऐसा फल है जो हर सीजन में पाया जाता है। ये बहुत ही हेल्दी होता है, पौष्टिक होता है और बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलिए आज बनाते हैं पके केले का हलवा। इसके लिए हमें चाहिए 4 केला, 1 कटोरी दूध, 4 चम्मच चीनी, काजू, बादाम, किशमिश, इलायची पाउडर। अब हमने केले को छीलकर इसके पेस्ट बनाने हैं। इसे फोक से मसल लेंगे। इसे सारे केले को हम ऐसे ही मसल लेंगे। इसे हमने मैश कर लिया है। आगे कढ़ाई की तरफ चलते हैं। पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। घी से हलवे का स्वाद काफी बढ़िया बन जाता है। फिर हम उसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने कम ड्राई फ्रूट्स लिए हैं क्योंकि मेरा हलवा कम है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना आपको लेना है। अब हम इसे गोल्डन होने तक भुनेंगे। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें किशमिश डालेंगे। किशमिश डालते ही भुन जाता है, इसे काफी समय नहीं लगता है। ये भुन चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। उसी घी में हम केले को डालेंगे। और इसे हम भुनेंगे जब तक ये थोड़ा सा सूख ना जाए। केले का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे और चीनी डालेंगे। इसे डालकर हम कुछ देर तक पकाएंगे, 10 से 15 मिनट, जब तक दूध सूख ना जाए केले के अंदर। और बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे की तली से ये चिपकने के चांसेस होते हैं। इसे हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। केले का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। और इसी समय हम इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं चाहे तो नहीं डालें। और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। पके केले का हलवा रेडी है। ये बहुत टेस्टी है खाने में और हेल्दी भी बहुत होता है, खास करके छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें घी भी है, केला भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है। तो ये अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है।